हमारे घर में एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, तो इनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं इजीली? तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आज सारा कुछ बताने जा रहे हैं। आप किसी भी तरह का बल्ब, एलईडी बल्ब जो खराब हो गया है, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स मिल जाएंगे हमारे जो एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बल्ब हैं जो आपको चेक करा देते हैं। जैसे ये हमारा बल्ब है, तो ये हमारा खराब है, ये बल्ब हमारा सही है। तो ये सही बल्ब है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा खराब बल्ब है, तो खराब बल्ब को हम कैसे रिपेयर करेंगे आसानी से? तो इसके लिए सबसे पहले खोलने की बात आती है, तो इसके खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसको बहुत इजीली हम लोग खोल सकते हैं। इसके बॉटम साइड को और टॉप साइड को पकड़ना है हमें इस तरीके से, और यहाँ पे ट्विस्ट करना है थोड़ा सा आगे पीछे, तो ये थोड़ा सा जुड़ा होता है, तो जिससे ये खुल जाता है आसानी से इस तरीके से। जब ये खुल जाएगा तो हमको इसको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि यहाँ पे बहुत सारी एलईडीज आपको दिखेंगी, ये सारी एलईडी सीरियल में लगी होती हैं, तो इनको आपको चेक करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसको मेन सप्लाई में लगा के आपको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करना है। इसके जो अंदर से सर्किट से इसके जो पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे आपको 60 to 80 वोल्ट्स मिलेंगे। अगर ये आपको मिल रहे हैं तो आपके ऊपर का एलईडी जो पैनल है इसका, ये खराब होगा अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं। तो पैनल में एलईडीज को कैसे चेक करेंगे, तो ये आपको बता देते हैं कि आपको मल्टीमीटर जो है ये कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेना है इस तरीके से, जहां पे ये बीप साउंड देता है, और फिर आपको इस तरीके से एक एक एलईडी आपको चेक करनी है। ये देखिए, आप एलईडी ग्लो कर रहे हैं, ये सारी एलईडीज आपको चेक करनी है। और जो एलईडी नहीं जल रही, तो ये मल्टीमीटर के पॉइंट्स आपस में चेंज कर लेंगे और ऐसे चेक करेंगे। अगर वो दोनों साइड से नहीं जल रही है, तो हमारी एलईडी खराब होगी। आप इस तरीके से सारी एलईडी पहले चेक कर लेंगे। क्योंकि हमारी सारी एलईडी सही है, तो यहां पे हमें वोल्टेज भी मिल रहा है, अगर तो हमारी एलईडी खराब है। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो सर्किट में प्रॉब्लम है। चूंकि इसमें वोल्टेज नहीं मिल रहा था, फिर भी हमने आपको चेक करने का तरीका एक बताया कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हमको 60 to 80 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो सर्किट डैमेज है। इसमें हमारी ऊपर का पैनल सारा सही है, तो अब इसको हम निकालेंगे। तो निकालने का इजी वे ये है कि यहाँ पे हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक को आपको साइड से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऐसे ऊपर करना है, और आप ऐसे ऊपर करेंगे तो ये इस तरीके से निकल आएगा। जब ये हमारा हीट सिंक इसका निकल आएगा, फिर हमको इसका सर्किट निकालना है। तो इसको आप सोल्डिंग आयरन से आप यहाँ पे हीट देके ये सारा का सारा इसका सोल्डर आप हटा देंगे इस तरीके से। ये आप जब इस तरीके से इसका सोल्डर हटा देंगे, तो ये डिसोल्ड हो जाएगी। जब डिसोल्ड हो जाए, तो आप इसको थोड़ा सा प्लास से पकड़ के इस तरीके से हल्का सा हिला के और इसको बाहर कर लेंगे। ये आपका सर्किट बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको इसके सारे कंपोनेंट्स चेक करने हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लगी दिखेगी। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस हमको चेक करनी है। ये सीरीज में लगी होती है इनपुट सप्लाई, जहां पे हमारी एसी इनपुट होती है, तो इसको हम चेक करेंगे। 100 ओम्स की रेजिस्टेंस होती है, अबाउट 180 ओम्स, 100 ओम्स के करीब होगी। तो इसके पॉइंट्स हम चेक कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड पे वीप देगी,
क्योंकि ये बीप नहीं दे रही है तो ये हमारी रेजिस्टेंस खराब है, वैसे इसको बीप देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा डायोड। जो डायोड ब्रिज लगा हुआ है इसको चेक करेंगे, तो ये भी अगर शॉर्ट होगा तो ये बीप देगा। इसको पलट के भी हमको चेक करना है मल्टीमीटर के पॉइंट्स, तो आपको एक साइड में वैल्यू देगा 13 से 1400 के करीब कंटिन्यूटी मोड पे लगाने पे, तो ये आपका सही होगा। अगर खराब होगा तो ये शॉर्टिंग बताएगा, तो यहाँ पे ये हमारा ब्रिज सही है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है, इसमें सारे कंपोनेंट्स हम आपको बताए दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, इसमें एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, ये इंडक्टर कॉइल भी वीप देगी, वीप दे रही, इसका मतलब इंडक्टर कॉइल सही है। यहाँ पे एक आपको आगे ये कैपेसिटर टाइप का आपको मिलेगा, ये कैपेसिटर जो है ये मॉफ है, ये मॉफ कैपेसिटर जो होता है ये इस तरीके का कैपेसिटर, ये हमारे सर्किट में हाई वोल्टेज आने पे ये शॉर्ट हो जाता है आपस में, तो ये हमारी रेजिस्टेंस को उड़ा देता है और हमारी आगे की सप्लाई खराब होने से बचाता है, प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये भी अगर वीप देता है तो आपका ये शॉर्ट होगा, तो इसको आप चेक करेंगे, अगर वीप देगा तो आप इसको भी चेंज करेंगे। तो हालांकि यहाँ पे हमारा ये मॉफ हमने चेक किया, ये हमारा वीप नहीं दे रहा है, तो ये हमारा मॉफ भी ओके है, इंडक्टर कॉइल हमारी ओके है, मॉफ ओके है, कैपेसिटर्स ये लगे हुए सिरेमिक कैपेसिटर, अगर हमारी रेजिस्टेंस भी ओके है और मॉफ भी ओके है, तो फिर हमारा ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर हमें चेंज करने पड़ेंगे। कैपेसिटर ये आसानी से आप पुरानी सर्किट से निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी खाली इसमें रेजिस्टेंस खराब थी, तो रेजिस्टेंस को हम निकाल के और रेजिस्टेंस बदल के इसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं इसकी, ये हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाल दी है जो कि हमारी खराब है। पुराने हम सर्किट से इसी तरीके की एक 100 ओम या 80 ओम्स की रेजिस्टेंस निकाले ले रहे हैं। अब हम इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट में लगा के और आपको चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सर्किट में कोई भी अदर कंपोनेंट खराब नहीं है जैसा कि हमने चेक किया था, तो ये हमारा सर्किट वर्क करना चाहिए। ये प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगी होती है कि हाई वोल्टेज आने पे ये हमारी सर्किट को आगे से डैमेज होने से बचा सके। ये हमने रेजिस्टेंस में लगा दी है। इसी तरीके से और भी कैपेसिटर लगे होते हैं, ये भी अगर सारा कुछ सही है तो आप ये कैपेसिटर, या यहाँ पे एक कैपेसिटर और मिलेगा सेम वैल्यू के कैपेसिटर, इसमें आप लगा देंगे। अगर आपकी ये रेजिस्टेंस या इंडक्टर कॉइल सही है और ब्रिज डायोड सही है, तब आप ये प्रोसेस करेंगे कि इसके कैपेसिटर और मॉफ जो है इनको चेक करके और इनको रिप्लेस करेंगे, तो आपकी सर्किट 100% वर्क करेगी। बहुत कम केसेस में इसकी ड्राइवर आईसी जो होती है ये खराब होती है, और अगर सारा कुछ चेंज करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो हमें ड्राइवर आईसी इसकी चेंज करनी पड़ती है। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दी है। ज्यादातर ये रेजिस्टेंस ही खराब होती है और मॉव जो है वो सर्किट प्रोटेक्शन के लिए मॉब भी शॉर्ट हो जाता है, तो मॉब या ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करने पे हमारी एलईडी हमारी ठीक हो जाती है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये सीरीज में इसको चेक करेंगे, तो इसके लिए ये हमारे सीरीज के पॉइंट्स हैं,
इनको मेन सप्लाई में लगा के ये एक छोटा सा हैंड 0 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। इससे हम अपनी पहले एलईडी चेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट चेक करने में अगर कोई पार्ट खराब है तो हमारा सर्किट डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई में इसको लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी एलईडी जलने लगती है, हमारी एलईडी ठीक हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से एलईडी को घर पे रिपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आने वाले वीडियोस आप पहले देख पाए, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे। और अगर वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको रिपेयरिंग में, एलईडी बल्ब के रिपेयरिंग में, तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और भी ये वीडियोस आ रहे हैं, अगर इनमें से अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको भी देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।